नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर श्रीगंगानगर जिले के दो ईई छोटी के महाविद्यालय की है, जहां विद्यालय जर्जर हालत में है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर काफी बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस भवन की हालत खस्ता होने के चलते बच्चों के लिए पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं बच्चे बाहर खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय के भवन की हालत ऐसी है कि कमरों की छत कभी भी गिर सकती है। वहीं मामले को लेकर शिक्षा विभाग आंखें मूंद कर बैठा है और हालात बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। मामले को लेकर भाजयुमो नेता रजत स्वामी ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि भवन ठीक नहीं किया गया तो स्कूल में ताला जड़ देंगे। स्कूल के जो बिल्डिंग है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है पिछले दिनों आई बरसात से, और यहाँ शिक्षा विभाग बिल्कुल आंखें मूंद के बैठे हैं। हम लोग जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर को भी लिख चुके हैं, भाई यहाँ की बिल्डिंग जर्जर है, कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, और इस बिल्डिंग के डर से यहाँ का स्टाफ डरा हुआ है और जो बच्चे हैं वो सारे बाहर क्लासें लगाए हैं। हालत आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो आप देखिए, किस तरीके से जो बच्चे हैं वो डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। कभी भी इस कमरे की छत जो है वो गिर सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें हैं। मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, स्कूल की जो बिल्डिंग है वही जर्जर है। विनोद सोखल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा जब वहां पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं है? विद्यालय की हम तस्वीर देख रहे हैं, किस तरीके से कितनी जर्जर हालत में है विद्यालय, क्यों नहीं सुनता है प्रशासन? जी मनिका, मैं आपको बता दूं कि श्री गंगानगर जिले का मामला है, जहां एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम शिक्षा को लेकर जो हर दिन जो शिक्षा को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आज एक जो नया मामला सामने आया है उसमें अपने को देखने को मिला है कि श्री गंगानगर जिले के दो ई छोटी का ये सरकारी महाविद्यालय है, जहां बिल्कुल जर्जर हालत में है। आज हमारी टीम वहां जब पहुंची तो पूरे भवन में जो एक भी ऐसा वहाँ बरामदा कमरा नहीं मिला कि जिस जो जर्जर हालत में ना हो, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो बाहर बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर है। एक तरफ जो सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि हम शिक्षा को लेकर तरह तरह के दावे कर रही है सरकार, लेकिन वहाँ देखने में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा को लेकर जो सरकार दावे कर रही है उसकी ये जर्जर भवन पोल खोल रहा है कि जो सरकार दावे कर रही है वो बिल्कुल खोखले दावे है। क्या कहा जाता है प्रशासन की तरफ से जब शिकायत की जाती है, और आखिर क्यों अनदेखा किया जा रहा है इन तमाम चीजों को? क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है तभी प्रशासन की आंखें खुलेंगी क्या? जी मोनिका, सबसे बड़ा यही सवाल है कि जब हमने प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश की तो वो कैमरे से आने पे बचते रहे, और जब हमने जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया तो उन्होंने भी कैमरे में आने से इनकार कर दिया, लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों के सामने है, जनता के सामने है कि आखिर जो कांग्रेस की सरकार है वो बड़े बड़े दावे कर रही है शिक्षा को लेकर, लेकिन जो दावे है वो खोखले दावे है, क्योंकि जो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का एक महाविद्यालय है जो जर्जर हालत में हो, तो ये सोचने वाली बात है कि पूरे राजस्थान में किस तरह के हालात होंगे। जी मोनिका, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और हम कोशिश करेंगे कि हर खबर के माध्यम से प्रशासन की आंखें खुलें और इस स्कूल की स्थिति जो है उसको ठीक किया जाए, उसको सुधारा जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित यहां पर पढ़ाई कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान में लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश के 16 जिलों में इसका संक्रमण बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस बीमारी से
आपको बता दें कि 94,000 से ज्यादा गौवंश संक्रमित हो गए हैं, वहीं 4,296 पशुओं की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले में करीब 300 मवेशियों की मौत हो चुकी है, वहीं श्रीगंगानगर जिले में भी ये आंकड़ा 300 से पार जा चुका है। नगर एरिया में लंपी स्किन जो गायों में बीमारी आई है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुकी है, भयानक बीमारी का रूप ग्रहण कर चुकी है। इसके लिए गोरक्षा संगठन रायसेनगर तमाम गौ भगत दिन रात इसकी सेवा में जुटे हुए हैं। डॉक्टर लोग हमारे साथ दे रहे हैं। अभी लोनेवाड़ा गांव में बहुत गाय मरी है। हमने रायसेनगर शहर की बेसहारा जो गौशाला से बाहर है उनको 500 पशुओं का उपचार किया है, उनमें से कोई मृत्यु दर नहीं है, जीरो मृत्यु दर है। मैं श्री राम जय गौ माता। रायसेनगर एरिया में लंपी स्किन जो गायों में बीमारी आई है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुकी है, भयानक बीमारी का रूप ग्रहण कर चुकी है। इसके लिए गोरक्षा संगठन रायसेनगर तमाम गौ भगत दिन रात इसकी सेवा में जुटे हुए हैं। डॉक्टर लोग हमारे साथ दे रहे हैं। अभी लोनेवाड़ा गांव में बहुत गाय मरी है। हमने रायसेनगर शहर की बेसहारा जो गौशाला से बाहर है उनको 500 पशुओं का उपचार किया है, उनमें से कोई मृत्यु दर नहीं है, जीरो मृत्यु दर है। जय श्री राम जय गौ माता। छतरगढ़ के कृष्णनगर स्थित सरकारी विद्यालय के दो शिक्षकों के बीच के आपसी विवाद का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल राकेश चोटिया के साथ मारपीट के बाद ग्रामीण और विद्यार्थी आक्रोशित थे और स्कूल में ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि 3 दिन से चल रहे धरने को लेकर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, वहीं मीडिया के पहुंचने पर प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने महिला अध्यापक को निलंबित करने के लिए आदेश जारी किए, जिसके बाद विद्यार्थियों और ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ और सहमति बनने के बाद विद्यालय का ताला खुलवाया गया। इस दौरान तहसील प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहे। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें धरना देते हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन चुप है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक खाना पूर्ति करके प्रशासन चला गया है लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हम राकेश जी चोटिया को न्याय दिलाने के लिए 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन प्रशासन का इसके और कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया अभी तक। अगर इसकी ओर गौर नहीं किया गया तो हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक चोटिया जी को न्याय नहीं मिल जाता। खबर अलवर से है जहाँ रॉयल्टी नाके पर हथियारों से लैस 15 से 20 बदमाश कर्मचारियों के साथ मारपीट कर 71,600 रुपए सरकारी कागजात और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वहीं बदमाशों ने नाके पर मौजूद 2 कर्मचारियों पर ज्वलनशील पदार्थ डाला जिससे उनके शरीर के कई अंग झुलस गए। आनंद फानंद में दोनों कर्मचारियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि 2022 से 2024 तक खनिज विभाग की ओर से रामगढ़ क्षेत्र के मानकी जोन में रॉयल्टी का ठेका गैलेक्सी माइनिंग और रॉयल्टी नामक हमारी फर्म ने ले रखा है। 31 जुलाई को बीजवा सरपंच आस मोहम्मद कस्बा स्थित ऑफिस आया और कहा कि आपको अगर यहाँ ठेका चलाना है तो मुझे 2 लाख रुपए और मेरे 15 आदमियों को 10,000 रुपए देने होंगे। पहले जितने भी ठेकेदार आए वो सब वसूली देते थे। वहीं जब मना किया गया तो सरपंच ने उन्हें खुलेआम धमकी दी कि देखता हूं कैसे ठेका चलाते हो। तो कर्मचारियों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका जिससे कि हम पर्ची काट रहे थे, मैं एंट्री कर रहा था तो एकदम से 15-20 आदमी आए थे लड़के। अच्छा, क्या आगे डंडा फरसा चाकू सब चीज अभेल करते भी थे उनके पास में। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? वो कुछ भी नहीं बोले, हमारे तो डायरेक्ट लाठी डंडे चाकू से पीटा। तेजाब भी था उनके पास में, तेजाब भी डाला था उन्होंने ये हफ्ता वसूली के लिए।
बीकानेर में जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के नेतृत्व में जिले में मादक पदार्थों के कई के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरएसी के ट्रेनिंग सेंटर में तैनात मनोज विश्नोई और कोटगेट थाने के हिस्ट्री शीटर तनवीर पठान उर्फ बाबू पठान को गिरफ्तार किया और उनके पास से मादक पदार्थ 23 ग्राम एमडी सहित एक बिना नंबर की कार और जब्त की है। आज सुबह कार्रवाई हुई है जिसमें 23 ग्राम एमडी बरामद की है और इसमें दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक तनवीर उर्फ पठान बाबू पठान और एक मनोज बिश्नोई, और गाड़ी है जब्त की है क्रेटा। इनको गिरफ्तार किया है एमडी के साथ, आज इनको पेश करके रिमांड लिया जाएगा, फिर आगे सारी जो भी कड़ियां हैं उनको जोड़ा जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। तनवीर पठान है जो जिसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और मनोज बिश्नोई है जो अभी इसका मालूम हुआ है कि ये यहाँ आरएसी में ट्रेनिंग सेंटर में तैनात है, इस संबंध में भी सारी आगे की कार्रवाई। पीलीबंगा पुलिस ने गश्त के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 23 किलो डोडा पोस्ट चूरा कार बरामद की। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। की बात है, कालीबंगा चौराहे पर हमने नाकाबंदी करी थी, तो एक शिफ्ट गाड़ी HR 31H01667 आई, जिसको रुकाया तो वापिस घुमा के भागने लगा। सबके दाखिल को रुका तो जिनकी तलाशी ली तो उसमें चालक गुरसेवक सिंह, अमरजीत सिंह जाति रामगढ़िया, उम्र 26 साल, मेरवाला तलवाड़ा का था, उसके साथ सुशील पुत्र देवीलाल जाति धाणा को, उम्र 27 साल, मुंडा मंडल टाउन का मिला। गाड़ी की डिग्गी में तलाशी ली गई तो दो स्क्रेज गट्टों में 23 किलो डोडा चूड़ा पोस्ट उनके पास मिला। पूछताछ से उनसे पूछा तो वो फिरौती से लाना हुआ। छोटी सालवड़ी पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 202 किलोग्राम डोडा चूड़ा और 3 कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने एक लग्जरी कार और बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया, लगातार पुलिस अभियान चला रही है जिसके तहत लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इसी कड़ी में 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 202 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है पुलिस ने और इन 5ों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां कहां तक इनका जाल फैला हुआ है, किस तरीके से वो काम करते हैं। बयाना में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आरपीएफ के जवान एक महीने से निशुल्क जल सेवा शुरू कर रहे हैं। पुलिस की इस मानवीयता और नेक कार्य को देख रेल यात्री भी अभिभूत हैं। आरपीएफ पुलिस के एसआई देवेंद्र सिंह ने बताया कि ये अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान और रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रन फॉर यूनिटी, स्वच्छता अभियान व जल सेवा, फ्री जल सेवा, वो मैं बता दिया, वृक्षारोपण का वो आयोजन किया जा रहा था।
चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनावों की घोषणा होते ही कैंपस की राह सड़कों तक पहुंचने लगी है और जिले में सक्रिय दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन आमने सामने होते दिख रहे हैं। ज्ञापन देने के दौरान NSUI और ABBP के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे और पूरे प्रकरण में एक छात्रा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत संयोजक रतन वैष्णव के नेतृत्व में विरोध दर्ज कराते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। कल जो राणा प्रताप पीजी महाविद्यालय के अंदर जो घटना हुई है, NSUI और कांग्रेस ने जिस प्रकार व्यवस्थापूर्वक वहाँ राजनीति का एक प्रश्न रचने की एक साजिश करी है, चूंकि छात्र संघ चुनाव की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है, वो चुनाव के मद्देनजर वो वर्ष भर तो कॉलेज कैंपस के अंदर कार्य करते नहीं है, अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए वो कॉलेज के अंदर तथाकथित छात्र नेता बनकर वो एक्टिव हो रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता का मंत्र लेकर पूरे वर्ष भर 365 दिन कॉलेज कैंपस के अंदर काम करता है और कल जिस प्रकार से झूठा मुकदमा लगाकर विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद के संभावित चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा लगाने का प्रयास किया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हनुमानगढ़ में ACB की टीम ने यहां पर नौहर तहसील के ग्राम पंचायत मलवानी के कृषि पर्यवेक्षक दयाराम को 15,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ACB के महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि ACB के हनुमानगढ़ इकाई को शिकायत मिली थी कि डिग्गी निर्माण की फाइल को पास करवाने की एवज में शिकायतकर्ता से कृषि पर्यवेक्षक ने 40,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद टीम ने शिकायत की जांच की गई और जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा गया। ब्यूरो चौकी पर सतवीर नाम से एक व्यक्ति आया, जिसने बताया कि जी मेरी जो कृषि विभाग की तरफ से डिग्गियाँ आवंटित हो रही है उसमें मेरा लॉटरी में नंबर आया है, इसके लिए मेरे से एक कृषि पर्यवेक्षक दयाराम है जो कि 40,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। इसका सत्यापन करवाया गया तो उसने सत्यापन के दौरान ही 5,000 रुपये ले ली और 15,000 रुपये आज लेते हुए उसको हमने रंगे तो जमीन है मधुमाई 3 ग्रामी डिग्गी पास हुई तो सेक्रेटरी में बात करी वो कह दिया गया मैंने मधुवाणी गांव में बुला के मांग करी 40,000 की 20,000 पहले देना एडवांस 20,000 बाद में देना डिग्री काम है जिस तेरह काम रोके जाओ। जयपुर में उद्योग भवन में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को लेकर बैठक हुई। बैठक में महाप्रबंधक और संबंधित अधिकारी पहुंचे और बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बैठक की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए अब तक करीब 39% निवेश मूर्त रूप से आ चुका है और क्रियान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतारने के लिए विभाग माइक्रो मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ऐसे निवेशकों पर ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए हैं जो उचित रूपरेखा और क्षेत्रीय निवेश संबंधी जानकारी के अभाव में निवेश नहीं कर पाते हैं। विभागीय मुद्दों पर बात हुई लेकिन मेरी जो उनसे विशेष रूप से चर्चा हुई वो इन्वेस्ट राजस्थान के तहत जो MOUs और LOIs हुए हैं उसका मैंने रिव्यू किया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि सारे हमारे अधिकारी जो हैं वो पूरे मनोयोग से इन MOUs LOIs को धरातल पर लाने के लिए लगे हुए हैं। कोटपुतली के ग्राम सांग टेढ़ा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आपको बता दें कि सांग टेढ़ा की महिलाओं ने समाज सेवी रतनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश की सीमा पर रक्षा कर रहे भारत माता के सपूतों के लिए 101 रक्षा सूत्र भेजे और देश की रक्षा का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सैनिकों की बदौलत ही हम आज अपने घर पर सुरक्षित हैं। इस अवसर पर कई महिलाएं मौजूद रहीं। तो महिलाओं ने भेजे रक्षा सूत्र, देश की रक्षा का वचन भी लिया, देश के सैनिकों पर
सैनिकों के हाथों पर सजेगी राखी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं ने रक्षा सूत्र सैनिकों के लिए भेजे। आपको बता दें कि मंडावा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तहसील प्रभारी राजेश रणजीरोथ ने की। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इसका आयोजन हुआ। आपको बता दें कि 15 अगस्त को मंडावा कस्बे में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर हर वार्ड में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राजसमंद जिले के आमेट में चोरों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आमेट से सामने आया है, जहां बेखौफ चोरों ने मोटरसाइकिल विक्रेता के घर से 25 लाख की चोर नकदी चुराकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि अब से पहले भी यहां कई चोरियां हो चुकी हैं। केलवा थाना क्षेत्र के पसुंद के पास चार लोगों ने मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर सोने की चेन और 1.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, जिस पर केलवा थानाधिकारी शंभु सिंह शक्तावत के निर्देश पर एएसआई जयपाल सिंह ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपी सुरेश और सूरजमल को केलवा चौपाटी के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 तोला सोने की चेन और 5,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस बाकी दो आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रतनगढ़ में 8 सूत्री मांगों पर समझौता होने के बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित तहसील के ग्राम विकास अधिकारियों ने पूरी तरह से काम बहिष्कार किया और पंचायत समिति परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि 8 से 9 महीने पहले सरकार से समझौता होने के बाद भी मांगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तो ग्राम विकास अधिकारियों का ये धरना आप देख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे, पंचायत समिति परिसर में दिया उन्होंने धरना। आपको बता दें कि उनका कहना है कि सरकार भी उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो इसी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाते रहेंगे। पंचायत समिति परिसर में धरना दिया गया, मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य का बहिष्कार किया गया। ग्राम विकास अधिकारियों ने किया धरना, उनकी कुछ मांगे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाते रहेंगे। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से ये बड़ी खबर आ रही है पुलिस के। आपको बता दें कि पुलिस ने हेरोइन तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पाक तस्करों से हेरोइन की खेप लेने आए तस्कर दबोचे गए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आनी थी हेरोइन, 24 किलो हेरोइन की खेप आनी थी बॉर्डर पर। पुलिस के हाथे चढ़े पंजाब के 8 तस्कर, सभी तस्कर पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। तस्करों से एक कार, बाइक और 9 फोन जब्त किए गए। तस्करों ने 2 महीने पहले सफलतापूर्वक ली थी डिलीवरी। आपको बता दें कि गज सिंहपुर क्षेत्र में ली थी हेरोइन की डिलीवरी, बॉर्डर पर 10 किलो हेरोइन की हुई थी डिलीवरी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़े पंजाब के 8 तस्कर, बॉर्डर पर 10 किलो हेरोइन की हुई थी डिलीवरी, तस्करों ने 2 महीने पहले। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं,
जहां पर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 8 तस्करों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार और 8 ही पंजाब के बताए जा रहे हैं। भरतपुर में विशेष योग्यजन आयोग के आयुक्त राज्य मंत्री उमा शंकर शर्मा ने टेक्नोलॉजी पार्क सेवर में जन संवाद किया। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा ने साफा माला स्मृति चिन्ह भेंट कर आयुक्त उमा शंकर का स्वागत किया। इस दौरान आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति की पीड़ा मेरी अपनी है, समस्त समस्याओं का निराकरण निश्चित होगा और जिस स्तर पर जो भी कठिनाई आएगी उनको दूर किया जाएगा। चलिए अब खबर केदड़ से है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयसिंह माठ की तरफ से केतड़ी नगर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ के नेतृत्व में चिड़ाबा से तो आपको बता दें कि सम्मान यात्रा शहीदों के लिए सम्मान में निकाली गई। खेतड़ी की बेटी ने कश्मीर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सेमिनार में राजस्थानी भाषा का परचम लहराया। इस दौरान उन्होंने राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और सेमिनार के दौरान व्याख्यान दिया। जानकारी के अनुसार खेतड़ी तहसील के वसंत विहार खरखड़ा की रहने वाली सुनीता गुर्जर श्रीनगर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में रिसर्च कर रही हैं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान उन्होंने राजस्थान की संस्कृति का परचम लहराया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।